फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी असमंजस की स्थिति चल रही थी और कुछ क्लियर नहीं था। हालांकि न्यूज़ आने लग गई थी और आप सभी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा इस न्यूज़ का, लेकिन फिर भी दोस्तों न्यूज़ थी जो कन्फर्म नहीं थी और मैं किसी भी तरीके का फेक वीडियो जो है बनाना पसंद नहीं करती। टाइम का भी मेरे पास थोड़ा शॉर्टेज रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी फेक न्यूज़ पर आप लोगों के लिए या फिर अपने चैनल को चलाने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज जो है राजस्थान पत्रिका में न्यूज़ आई है और हम सभी के काम की न्यूज़ है। रीट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी लगभग दो साल ही हो गए हैं रीट का जो इंतज़ार कर रहे थे और पैटर्न का जो 8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी जो है स्थिति काफ़ी साफ हो गई है। एक पूरा परफेक्ट जो एक न्यूज़ है वो आकर के हमारे सामने आई है कि अब दो पेपर का जो है कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सभी निश्चिंत होकर के जो है अपना जो NTCE का जो सिलेबस है उसी को आप लोग करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जो माइंड में और तकरीबन 1 या 1.5 महीना तो लगातार मैं ये कहूँगी कि एक ऐसी स्थिति से हम लोग गुजरे हैं जिसमें हमको यही नहीं पता था कि जो हम प्रिपेयर कर चुके हैं उसमें मार्क्स कितने रहेंगे या क्या रहेगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। देखिए, डोटासरा जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि रीट की परीक्षा में एक ही पेपर होगा और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन लिया गया है कि बीकॉम के विद्यार्थी भी जो है अब इसको दे सकेंगे। दोस्तों देखिए, बीकॉम वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति थी, क्योंकि अगर आती थी वैकेंसी तो उनके लिए सिर्फ फर्स्ट ग्रेड काम की हुआ करती थी, ना तो वो सेकेंड ग्रेड दे पाते थे ना ही वो थर्ड ग्रेड दे पाते थे, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है वो 11th और 12th लेवल पर ही चलता है। आप सभी को पता है कॉमर्स जो है 11th 12th से आती है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आती थी और उसमें भी कुछ मुट्ठी भर सीटें आती थी, और बीकॉम वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनको इसी वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा। और आप लोग भी पूरी तैयारी करें, सामाजिक की जो सीटें होंगी उन पर आप लोग फाइट करेंगे, इसमें पूरा लिखा हुआ है। मैं एक बार न्यूज़ को पढ़ देती हूँ। देखिए क्या कहा है शिक्षा मंत्री जी ने, जो कल मीटिंग हुई थी, आप लोगों को सबको पता है कि परसों जो है मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन वो किसी कारण से टल गई थी वो मीटिंग, और फिर वो कल हुई, तो उसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं। देखिए, रीट परीक्षा में एक ही पेपर होगा, ये कंफर्म बात हो गई है। यानी कि हमारा जो पहले पेपर हुआ करता था, जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, यानी कि रीट का जो सिलेबस ऑलरेडी हमारे पास है उसी से रिलेटेड पेपर लिया जाएगा। और देखिए, बीकॉम वाले जो विद्यार्थी है वो भी अब रीट दे सकेंगे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बिल्कुल जम के तैयारी करें। अभी तक केवल BSc एवं BA के विद्यार्थी ही रीट दे सकते थे, अब वाणिज्य के विद्यार्थियों को भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। परीक्षा में पूर्व में 70:30 के रूप में जो भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती थी, उस अनुपात को कम किया जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोगों के लिए पैटर्न तो जो है वो क्लियर हो चुका है। हम लोग पहले उलझे हुए थे कि पेपर 2 होंगे या 1 होगा और रीट का कितना वेटेज होगा, क्योंकि बातें कई बार सामने आ रही थी कि इसका केवल 10% रह जाएगा और उसका 90% हो जाएगा, इस तरह की भी संभावना जताई जा रही थी, तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज चल रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति साफ है कि हमारा जो आधार रहेगा सिलेक्शन का, वो रीट का पेपर ही रहेगा। और पहले ये 70% लिया जाता था, लेकिन अब जो है इस परसेंटेज को और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो हमारा BA का जो वेटेज था, जो 30% लिया जाता था, उसको कम किया जा सकता है। अब ये कितना कम किया जा सकता है, देखिए 10% या 5% की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ये सरकार के ऊपर है, ये भविष्य की गर्त में है कि क्या फैसला आएगा। ये जो भी ऑथेंटिक, देखिए आज ऑथेंटिक खबर थी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। अदरवाइज मेरे चैनल को आप विजिट करें, कोई फालतू वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन आज बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये, और आप सब लोगों को, क्योंकि मैं चैनल पर आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। और देखिए, वेटेज कितना कम होगा ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि वेटेज काफ़ी कम रखा जाएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। और देखिए, मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये मामला जो है CM स्तर पर प्रेषित है, यानी कि वेटेज का जो डिसीज़न है वो अभी लिया जाएगा। BA का वेटेज कितना रहेगा इसका डिसीज़न लिया जाएगा, और ये CM स्तर पर जो है ये अभी प्रस्तावित कर दिया गया है। ये हमारे मुख्य रूप से हमारी जो मेन जो बात थी वो यही थी। इसके अलावा देखिए, इसमें अंग्रेजी माध्यम की मॉनिटरिंग की बात की गई है, स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे, तो ये हमारे
जो है अभी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं, ये उसके बाद की बातें हैं। जो हमारे काम की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बीकॉम वाले भी अब तैयारी करें साथ में, बिल्कुल नौकरी लेने की बिल्कुल आप लोग अभी से लग जाएं। देखिए ये 4 महीने गोल्डन पीरियड है, इसमें अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दें, बिना कन्फ्यूज़न के पढ़ें, और जो आपका सिलेबस है उसे आप लोग बार बार करें, ट्राई करें दोस्तों। बस ये देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर एक पेपर करवाने में गवर्नमेंट ने काफ़ी देखिए लंबा टाइम हो गया है, तो सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए बहुत कम, ऐसा नहीं होगा कि कम टाइम में हमको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस वाली अपॉर्चुनिटी को चूक जाते हैं तो आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है आपको 3 या 4 साल और लटका के जा सकती है, इसलिए अपना पूरा ध्यान जो है इस पर ही लगा दें। बस यही न्यूज़ थी दोस्तों, लगातार तैयारी करते रहें, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल हटा दें और डेडिकेशन के साथ अपने जो प्रिपरेशन है उसको करते रहें। आप लोगों को जो भी और हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल, आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।